और गीता कोड़ा संबोधन भी की है नॉमिनेशन के बाद। गीता कोड़ा नॉमिनेशन के बाद क्या कहती है थोड़ा जानते हैं। मैडम आज आपका नॉमिनेशन हुआ है, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए अब तो ये विधिवत हम लोगों ने नॉमिनेशन कर लिया, विधिवत चुनाव लड़ना है, चुनाव मैदान में हम लोग गए और पूरी तैयारी के साथ पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता लोग सभी लगे हुए हैं और हम लोगों का बस एक ही मकसद है कि अब की बार 400 पार। मैम आज भीड़ कम था, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं अपनी नजरें थोड़ा खोलिए, आपको भीड़ कहाँ कम दिख रही है, जोश कहाँ आपको कम दिख रहा है? पूरे पार्टी के लोग गांव गांव से एक एक कार्यकर्ता आज आया है, एक एक समर्पित कार्यकर्ता आया है और आप ये जोश देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों में इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग डटे रहे और अंत तक लोग डटे रहे। नॉमिनेशन के बाद कैसा प्रचार कर रहे हैं मैडम? युवा मैडम की बात करें तो बहुत अनुभवी है, 4 बार मंत्री रह चुके हैं, तो इस बार लड़ाई किस तरह देखने को मिलेगा? देखिये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 सालों में कोई काम नहीं किया, वो पूरे क्षेत्र में दिखता है। जोगा माझी जी जिस क्षेत्र से विधायक रही हैं वो क्षेत्र सबसे ज्यादा पूरे जिले में अगर कोई पिछड़ा हुआ जगह है तो वो मनोहरपुर। मनोहरपुर के लिए उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको दिखा करके वो बता सके। आदरणीय मोदी जी ने 10 वर्षों में कई काम किए हैं, वो तो अपना हिसाब भी दे रहे कि भाई 10 वर्षों में चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, किसान हो, हर वर्ग के लिए मोदी जी ने काम किया है। जबकि सरकार के पास में ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए ये धमकाने का काम करती है, डराने का काम कर रही है। लेकिन इनकी धमकी चमकी से भारतीय जनता पार्टी के न कार्यकर्ता रुकेंगे न भारतीय जनता पार्टी रुकेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह आरोप लग रहा है कि आप जो बीते 5 सालों में कई गाँव में आपने कहीं गया नहीं, कुछ कार्य नहीं किया, उसको लेकर क्या? ये सब विरोधी प्रोपोगंडा कर रहे हैं। गीता कोड़ा ने पूरे 5 साल में हर गाँव का दौरा किया है, हर गाँव का काम किया है। हम लोग जहाँ भी लोगों ने बुलाया गांव-गांव में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो एकदम अर्बन क्षेत्र हो, इंटीरियर क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह हम लोग गए हैं, लोगों से हम लोगों ने मिला और सबसे ज्यादा हम लोगों ने यहाँ की जन समस्याओं को, जन मुद्दों को लोकसभा में बात रखने का भी काम किया, वहां से काम करने का काम किया है। तो ये जैसे विरोधी प्रचार कर रहे हैं भाई, उनके नेता बताए ना कितना गांव में जाते हैं, कितना घूम रहे हैं। मैम इस बार जब बीजेपी यहाँ से सांसद बनती है तो फिर क्या कुछ रहेगा सिंहभूम के लिए, क्या कुछ खास रहेगा? हमने पहले भी कहा है कि सिंहभूम के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने सोच रखी है। सबसे पहले तो भाई यहाँ पलायन रुके और यहाँ के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। जो यहाँ के स्थानीय नेता के वजह से कई वर्षों से अस्पताल लटका हुआ है, पहले वो अस्पताल जल्द से जल्द बने और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले, यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा स्वास्थ्य और यहाँ के लोगों को रोजगार, ये हमारा बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल कुपोषण एक बहुत बड़ा मुद्दा था और आपने देखा होगा कि डीएमएफटी से हम लोगों ने उसमें कुछ काम भी करवाए आदरणीय मोदी जी, क्योंकि हमने ही लोकसभा में इस बात को रखा, तो उसके बाद कुछ काम हुआ है और अब जो 5 साल पहले की स्थिति थी उससे अब थोड़ा बेहतर हुआ है। इस पर और काम करने की आवश्यकता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर साथ नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। स्टेट गवर्नमेंट भी अगर बच्चों का ख्याल रखती और जिसकी माननीय मंत्री जोगा माझी थी, लेकिन उन्होंने इस और कभी ध्यान नहीं दिया, यहाँ के बच्चों के पोषण के लिए कभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ये जो भी किया आदरणीय मोदी जी ने किया और इसका नतीजा है कि ये 5 साल में हम लोग थोड़ा ऊपर आए हैं, यहाँ के बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक। देखिए हमारे प्रचार को रोका गया और ये बहुत दुखद बात है क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी सभी अपनी प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने जिस तरह से हमले टूटने का काम किया, जनता उसका जवाब देगी। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है, हम लोगों ने चुनाव आयोग में और यहाँ के प्रशासन को भी हम लोगों ने अपनी बात रखी है और हम लोग चाहते हैं कि भाई अगर ये चुनाव निष्पक्ष कराना है, निर्भीक कराना है, तो इसमें कार्रवाई करनी होगी और सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि लोग निर्भीक होकर के इस चुनाव में भाग ले सके, ये चुनाव से करना चाहिए। मेरे पहले चरण में वोटिंग का प्रतिशत काफी कम रहा, पहले चरण में वोटिंग का प्रतिशत काफी कम रहा है और इस चरण में चौथे चरण में क्या इसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं जा रहे ताकि मत प्रतिशत बढ़े? देखिए हम लोगों की पूरी तैयारी, जैसे मैंने कहा कि ये एक जो डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है इसको ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है और हम लोगों का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ मत हो, लोग बाहर आए और मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग सम्मिलित हो, ये हम लोग जहाँ भी जा रहे अपील भी कर रहे हैं और लोग इस बार उत्साहित है, सिंहभूम की जनता उत्साहित है
और निश्चित रूप से यहाँ वोटिंग अच्छा होगा, अच्छा प्रतिशत होगा। एक आखिरी सवाल है, ये पार्टी ज्वाइन करने आई है, आप भाजपा में क्या देखती है जो पार्टी ज्वाइन करने वाली है? आप अलग से पूछ लीजिए ना, आप अलग से ले लो।